अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, साडा पंजाब यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूँ आपका हज़म मामा जहाँ से। आज की वीडियो में आपको हम चावल की फसल, जिसे मूंजी की फसल बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे। ये जो स्टार्ट हो गई है चावल की फसल, और मैं आपको पंजाबी में बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग हमारे विलेज वाले ही होते हैं जो वीडियो वगैरह देखते हैं। तो इसको स्टार्ट कर दिया पहले ना, पानी लगा के इसको 3-4 दिन छड़ देना, पानी ला के 3-4 सियाँ ला दी दी। उस तो बाद हल चलाई दा 4 दिन बाद। हल चलान तो बाद ये फायदा होंदा सानू कि पानी बहुत घट पीती आ, पानी घट पीती आ, फिर सानू इहदा फायदा होंदा रहिंदा क्योंकि 3 महीने फसल चलती रहिंदी आ। तो पानी घट पीएगी तो साडा इहदे नाल बचत होएगी। बाकी दूसरी गल ये आ कि ये अगर असी 3-4 दिन इनू दाब, जिन्हों पंजाबी कही दा, दे दई दी आदि जोड़ा गंद हों उग जाता है। तो फिर दोबारा जो ये कद्दू करी दा है फिर 2-3 सीवियां ला दी दी है। तो यह नज़र आ रहा छोटा छोटा घा है तो मर जाता है। यदा फायदा हो जाता कि फिर मूंजी के सू नुकसान नहीं देता। बाकी दूसरी गल ये आ कि ये उत्ते स्परेवं नहीं सानू करनिया पैदा, खर्चा साडा काफ़ी घट जाता अगर असी दाब दे दई दी है। 3-4 सियाँ पहले ला दे दी है, 5-4 दिन दाब दे के रखी थी पैली नू, सियाँ ला के तो साडा काफ़ी फायदा हो जाता है। बाकी हुण असी आ रहे ने इन्हां नू दिखाने इहदी दबंग 85 हॉर्स पावर आ, ये वाह रहा पहले कद्दू कर रहा है। दिखाने इहदी की सूरत हाल आ भाइयों नू। हाँ जी जनाब, जैसा कि तुम देख रहे जी कद्दू कर रहे हैं। तो हुण दाब सी का इन्हें की 4 दिन हो गए, हुण दाब पुट गए तो शुरू करता कद्दू करना। तो चावल की फसल शुरू हो रही है, 3-4 सियाँ ने लगा के कद्दू कर देना है। उस तो बाद पानी खुला छड़ के सुहागा मार के तो फिर शुरू कर देनी मूंजी लानी। मूंजी लाने तो बाद फिर सानू काफ़ी यदा फायदा हो जाता कद्दू जो दाब की हो। अगर तुसी साडे चैनल ते न्यू जे तो साडे चैनल नू प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।